हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट होने का जो प्रोसीजर था उसके लिए डेट बेसिकली आज से डेट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होना भी स्टार्ट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग कई सारे अपडेट थे, जो तमाम सारे अपडेट मैंने आपको पहले वीडियोज़ के जरिए से मैंने आपको दिया था, जिसमें इसके प्रोस्पेक्टस के बारे में विस्तार से मैंने चर्चा भी किया था और बताया था कि किस कोर्स के लिए कितना एप्लीकेशन फीस सबमिट करना है, क्या सारे लास्ट डेट है। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो ऑनलाइन प्रोसेस करने का जो लाइव वीडियो था, वो लाइव वीडियो मैं आपके लिए नहीं दिया था। आज से बेसिकली स्टार्ट हुआ है, तो लाइव वीडियो आज मैं आज की छोटे से वीडियो में लाइव सारे कंटेंट को मैं कवर अप कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए, क्योंकि पटना वुमेंस कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है एंड यह कॉलेज बेसिकली एक प्राइवेट कॉलेज है। एंड पटना वुमेंस कॉलेज में यूजी पीजी दोनों का एप्लीकेशन जो सबमिशन का जो प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, उससे पहले जो तमाम सारे पेपर में अपडेट आए हैं पेपर के अपडेट को भी देखते हैं, इसके बाद किस तरीके से पूरा लाइव प्रोसेस कंप्लीट करना है ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल पीसी से कवर अप कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसे मोबाइल से भी स्मार्टफोन से भी मैं कवर अप कर दूंगा, ताकि आपको किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करने में फर्दर ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर अगर अप्लाई कराने में किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रही है देन आप बता सकते हैं, वो तमाम सारे जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस के साथ आपके लिए हम स्टैंड अप रहेंगे। सो गाइस, क्या कुछ अपडेट है रिगार्डिंग द पटना वुमेंस कॉलेज एडमिशन पेपर में, पहले पेपर के अपडेट को देखते हैं। लगभग तमाम सारे पेपर्स में इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि पटना वुमेंस कॉलेज में आज से भरे जाएंगे नामांकन के लिए फॉर्म। पटना वुमेंस कॉलेज के सत्र 22-23 में नामांकन के लिए रविवार से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी होंगे, जो कि जारी हो चुका है। और पूरी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट पर आपको बता दें, जो कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपका है www.patnawomenscollege.in पर मिलेगी, और इसी वेबसाइट पर जाकर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर भी कंप्लीट होगा। और ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको बता दें कि छात्राओं का जो नामांकन होगा इस बार एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा, और जो आपको एप्लीकेशन चार्ज देना है वो आपको 1100 रुपीज का आपको एप्लीकेशन चार्ज देना होता है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगा पटना जो कह सकते हैं दैनिक जागरण के पेपर में विस्तृत जानकारी, जिसमें सीधा से बताया गया वुमेंस कॉलेज में नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। सो गाइस, दैनिक जागरण के इस पेपर में विस्तृत जानकारी आपको दिया गया है कि किस तरीके से तमाम सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इसमें क्लियरली बताया गया है वुमेंस कॉलेज में नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। और पटना वुमेंस कॉलेज में जो आपका सत्र है 22-23 के लिए, इसके लिए जो नामांकन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि 25 जून को होगी प्रवेश परीक्षा और जुलाई में जारी होगी मेधा सूची। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें बेसिकली जो 25 जून को आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिएगा उसमें 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर डेट्स के बारे में बात करिए तो 1 मई से यह प्रोसेस स्टार्ट है, और यह आपका प्रोसेस 31 मई को जाकर के खत्म होगा। इसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है और कौन कौन से कोर्सेज आपको इंटरव्यू देना है, ये तमाम सारा डिटेल इसके प्रोस्पेक्टस में विस्तृत रूप में दिया गया है। और प्रोस्पेक्टस के बारे में आपको बताया भी था, अगर इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रेस्पेक्टेडली डेट भी बताया गया कि कौन कौन से डेट में कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, जैसे बीएससी के लिए 28 जून को सुबह के 11 बजे से। इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्स दिया भी गया है, और ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाता है। प्रोस्पेक्टस किस तरीके से डाउनलोड करके विस्तृत रूप में आपको पढ़ना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, ताकि सारा कंटेंट आपके लिए क्लियर हो सके। सो गाइस, तमाम सारे पेपर्स में इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है, चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी इसके वेबसाइट पर पहुंचने का क्या कुछ तरीका है। तो सबसे आसान सा प्रोसेस है, आप आइए गूगल के क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी भी ब्राउजर में आइए और वहां करके टाइप कीजिए पटना वुमेंस कॉलेज। पटना वुमेंस कॉलेज जैसे ही टाइप करते हैं देन यहाँ पे सबसे पहला आपको मिलता है https://patnawomenscollege.com। आप इसके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है, जैसे ही आप इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करते हैं देन आपको इसका पोर्टल कुछ इस तरीके से इसका पेज आपको अपीयर होता है। यहाँ पे पेज अपीयर होने के बाद अभी आपको अप्लाई करना है, देन यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिर से आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुलता है, जो कि बेसिकली कहलाता है पटना pwcadmission.in, यानी पटना वुमेंस कॉलेज का एडमिशन पोर्टल। ये पटना वुमेंस कॉलेज का एडमिशन पोर्टल है, जहां से आपका एंट्रेंस के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो एंट्रेंस के लिए कह सकते हैं जो एग्जाम फॉर्म है, या कह सकते हैं ओवरऑल जो एडमिशन फॉर्म है, वो आपका सबमिट होता है। तो यहां से किस तरीके से सबमिट करना है ध्यान से समझ लीजिएगा। सबमिट करने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी में आपको ध्यान रखना है कि क्या सारे इसके प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन का नोटिस क्या है। तो तमाम सारे एडमिशन के नोटिस को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करके एडमिशन के नोटिस को देख सकते हैं, प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग यहां से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बेसिक जानकारी आपको बता भी दिया। अब किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए बताया गया है एडमिशन ओपन फॉर द ईयर 2022, साइन इन एक ऑप्शन है आपका साइन इन, और एक आपका है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। आपको ध्यान रखना है जो भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स में। तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई करना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट फैकल्टी या फिर जिस भी ऑप्शन पर आपका क्लिक रहता है उसके तमाम सारे प्रोग्राम्स आपको अपीयर हो जाते हैं। जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आप क्लिक है जो तमाम सारे प्रोग्राम से अंडर ग्रेजुएट में वो आपका है बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीबीए ऑनर्स, बीसी ऑनर्स, ये तमाम सारे ऑनर्स के बारे में बताया गया है। जिस भी ऑनर्स में आपको रजिस्टर होना रहे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करें।
जैसे मुझे बीए पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करना है, देन क्या करेंगे, बीए ऑनर्स इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ तमाम सारे इसके कोर्सेज दिख जाएंगे कि बीए ऑनर्स में कौन कौन सारे कोर्सेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, उर्दू, इस तरीके से करके कई सारे ऑप्शन आपको खुल जाते हैं। जिस भी आपको ऑनर्स में अप्लाई करना रहे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस में मुझे अप्लाई करना है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक किया। इसके बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आपको बेसिक जानकारी दी जाती है, ड्यूरेशन कितने टाइम का कोर्स है और इसका अभी एडमिशन ओपन है या फिर एडमिशन ओपन नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया ड्यूरेशन 3 इयर्स एंड एप्लीकेशन ओपन है। इसके बाद क्या करना है, यानी बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मुझे अप्लाई करना है, क्या करेंगे, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुलता है। डैशबोर्ड में आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होती है जो कि कहलाता है रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड। रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड में यहाँ आपको एप्लीकेंट का नेम देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा। यहाँ पे एक आपको पासवर्ड सेटअप करना है। पासवर्ड सेटअप करने में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, इसके बाद नंबर्स का आप यूज करिएगा ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड पासवर्ड और जो आपका यूजर आईडी वो आपके रजिस्टर्ड मेल पर भेजा जाता है। किस तरीके से भेजा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान रखिएगा। और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी एक ही टाइम से रजिस्टर होता है, यानी अगर पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे अगर एक मोबाइल नंबर को आप 2 टाइम्स यूज करते हैं रजिस्ट्रेशन में, देन आपको वो रजिस्टर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी वन मोबाइल नंबर एंड वन ईमेल आईडी इज वैलिड फॉर वन रजिस्ट्रेशन। तो एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल नंबर एंड एक ईमेल आईडी वैलिड होता है, तो आप इसका प्रॉपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से तमाम सारे डिटेल्स देने के साथ आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करता है। जैसे आप रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करते हैं देन आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाता है, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली, आपका नेम दिखा करके। इसके बाद क्या करना होता है, ये जो आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी है, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका पासवर्ड भेज दिया जाता है। पासवर्ड जो आप सेटअप करते हैं ये आपका पासवर्ड हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो कि आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है। चलिए दिखाते हैं किस टाइप का आपका मेल आता है। सो गाइस देख सकते हैं हमारे मेल पे मेल आ चुका है और यहाँ पे रहेगा डियर, जो भी कैंडिडेट का नेम होगा यहाँ पे कैंडिडेट का नेम दिखाएगा। इसके बाद आपका दिखाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका क्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। जैसे देख सकते हैं इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है R-2022-93 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड यहाँ पे आपका पासवर्ड रहेगा जो आपने पासवर्ड सेटअप किया। अब ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ये आपका पासवर्ड, इसी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के जरिए से साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद जो तमाम सारा जो नेक्स्ट जो कह सकते हैं लॉगिन होना है वो लॉगिन कंप्लीट करेंगे या फिर आपको मेल आईडी पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर लॉगिन, आप इस ऑप्शन के भी जरिए से लॉगिन हो सकते हैं। चलिए क्लिक हियर फॉर लॉगिन वाले ऑप्शन के जरिए से हम लोग लॉगिन होते हैं। भाई जैसे ही आप क्लिक हियर टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर मैंने अभी कॉपी करके रखा हूं, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आपका है उसको पेस्ट कर देना, यानी जो भी आपके अभी जैसे एप्लीकेशन नंबर था R-2022-93 जो भी रहे आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है, पासवर्ड अपना बता देना जो आपने पासवर्ड सेटअप किया था। इसके बाद हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे या फिर अगर आप इस तरीके से रीडायरेक्ट नहीं हो पाते हैं देन आपको बता देता हूँ कि यहाँ से जो पोर्टल पे थे मतलब जो लॉगिन का ऑप्शन से वो कहाँ से अपीयर होता है, वो तो मेल भेज दिया गया था लेकिन मेल से पहले कहाँ अपीयर होता है, तो फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आएंगे। यानी मेल आईडी पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड भेजा गया है उसको कहाँ फिल करके आपको लॉगिन होना है। तो जैसे ही देखिए एडमिशन पोर्टल पे आते हैं, देखते जैसे मैंने यहाँ आकर के स्टार्टअप किया था बी ऑनर्स पे आकर के मैंने रजिस्टर किया था पॉलिटिकल साइंस पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन आईडी है एंड पासवर्ड है वो मेल कर दिया गया था। मेल के नीचे भी ऑप्शन था क्लिक हियर फॉर लॉगिन का या फिर आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन ओपन साइन इन का ऑप्शन, तो आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से आकर के साइन इन वाले ऑप्शन पे आने के बाद सेम कंटेंट आपको देना है एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, यानी एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको कैसे फिल करना है ये आप जरूर समझ गए होंगे। तो जगह चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी एंड मैं पासवर्ड को फिल करके मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ आगे क्या कुछ अपीयर होता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड को फिल कर चुका हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ देख सकते हैं किस तरीके का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो रहा है एंड फाइनली कैंडिडेट के नेम का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं एंड स्टेप्स में देखिए बताया गया है रजिस्टर योरसेल्फ, कोर्स का सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, प्रीव्यू एंड पे, पेमेंट स्टेटस, यानी इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स के जरिए से पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा ये स्टेप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना है जिस स्टेप्स के जरिए से आपका तमाम सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो वही चलते हैं सारे स्टेप्स के साथ हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो रजिस्टर योरसेल्फ का जो ऑप्शन है इससे हम लोग स्टार्ट करें। सो गाइज आप अपने लॉगिन डिटेल्स के जरिए से आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद जो रजिस्टर योरसेल्फ है आप फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं, अब आपको सेकंड स्टेप की ओर प्रोसीड करना है जो कि कहलाता है कोर्स का सिलेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कोर्स के सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कोर्स के सिलेक्शन में अपीयर होता है। जैसे हम लोग कोर्स के सिलेक्शन पे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होता है जिसमें है यहाँ पे एक कंटेंट बताया गया है नोटिस फॉर ऑल स्ट्रीम। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको स्ट्रीम्स के बारे में पता ना हो तो आप नोटिस फॉर ऑल स्ट्रीम पे क्लिक कीजिएगा, जिसके जरिए क्या होता है आपको एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज पता चल जाता है। एलिजिबिलिटीज क्राइटेरियाज करने का मतलब है कि ये मान लेते हैं कि आपने क्लास 12 साइंस फैकल्टी से किया जैसे पीसीएम से किया तो क्या आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स पेपर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये तमाम सारे डिटेल्स आपको इस प्रोस्पेक्टस से मिल जाते हैं। एंड फिर भी किसी भी प्रोग्राम के बारे में आपको स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए देन आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस जो कोर्स है उसके बारे में आपको स्पेसिफिक डिटेल्स बता देता हूँ कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप एलिजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी चूज आपको करना है आप यहाँ पे डिग्री पाइएगा जिस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे चूज कीजिएगा। जैसे यूजी के लिए मुझे अप्लाई करना है मैं यूजी चूज कर लूंगा। इसके बाद प्रोग्राम पर ध्यान रखना है,
कौन सा, जैसे बी ऑनर्स के बारे में, तो बी ऑनर्स में चूज कर लूंगा। इसके बाद बी ऑनर्स में सेशन आपका दिखा दिया जाएगा। इसके बाद बी ऑनर्स में जो तमाम सारे लिस्टिंग है, लिस्ट में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सारे कोर्सेस बी ऑनर्स में अवेलेबल है, आपको उस कोर्स का सिलेक्शन करना है। जैसे मुझे अप्लाई करना है पॉलिटिकल साइंस में, तो क्या करूंगा, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शन को चूज करूंगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस, ये यहाँ करके लिखा गया है फर्स्ट। इस कोर्स के सिलेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम जो प्रेफरेंस देना है, आपको दो प्रेफरेंस देना है। जैसे मैं पहला प्रेफरेंस चूज कर चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद जनरल इलेक्टिव पूछा जा रहा है, यानी जो जनरल जो सेकंड जो इलेक्टिव में आएगा, यानी जो आपका सेकंड प्रेफरेंस में आएगा, वो आपका आपको यहाँ पे चूज करना है। बेसिकली यहाँ पे एक जनरल इलेक्टिव है, यानी कौन कौन से पेपर्स आपको रखने हैं साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिखता है जनरल इलेक्टिव का, आप इसे जस्टिस समझ सकते हैं सब्सिडी में, यानी जनरली कुछ आपको एक पेपर रखना है इसके सपोर्ट में। तो लेटर सपोज मैं इसके सपोर्ट में आपको इकोनॉमिक्स रख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको इसको चूज कर देना है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, देन यहाँ बताया जाता है एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, कुछ आपको कंपलसरी कोर्स चूज करना है। दो ऑप्शन आपके पास है, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपलसरी पेपर आएगा जो कि ऑलरेडी चूजन आएगा, आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेकंड प्रेफरेंस देना है, जैसे मैं फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस दिया था, सेकंड प्रेफरेंस मैं लेटर सपोज इकोनॉमिक्स दे रहा हूँ। देन इसके लिए भी आपको जनरल इलेक्टिव के पेपर कुछ खोलना है, जैसे मैं इसके लिए जनरल इलेक्टिव पेपर ज्योग्राफी रख लेता हूं। इसके बाद सेम तरीके से एबिलिटी इनहेंसमेंट कुछ पेपर से, जैसे इंग्लिश यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे इंग्लिश पसंद है, देन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एंड कंपलसरी पेपर में फिर से यहाँ पे चूज जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर प्रोसीड करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पर प्रोसीड करते हैं, यहाँ कैंडिडेट का नेम दिखा देगा, क्या कुछ नेम है, यहाँ पे ईमेल आईडी एंड यहाँ पे फोन नंबर, फोन नंबर के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, यहाँ पे जेंडर ऑलरेडी फीमेल के लिए सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको बता देना है, रिलीजन नेशनलिटी रिलीजन आपको यहाँ पे फिक्स रहेगा, जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए से। इसके बाद आपको आधार नंबर, इसके बाद फादर नेम, इसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन, फादर का कॉन्टैक्ट नेम नंबर, इसके बाद सेम तरीके से मदर्स के लिए, उसके बाद आपको गार्जियन के लिए, इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस बताना है, लोकल एड्रेस बताना है, इसके बाद आपको ब्लड ग्रुप चूज करना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। चलिए तमाम सारे डिटेल्स को फिल करके मैं आगे की ओर प्रोसीड करता हूं। सो गाइस मैं तमाम सारे डिटेल्स को फिल कर चुका हूँ, फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपका देखते हैं क्या कुछ डैशबोर्ड अपीयर होता है, इसके बाद आपका कंफर्मेशन आता है एंड फिर आपको कंफर्म करके आगे की ओर बढ़ना। चलिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे अपीयर होता है। सो गाइस जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका इस तरीके से कुछ एक नया डैशबोर्ड ओपन होता है। डैशबोर्ड में कुछ आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें आपको बताया जा रहा है इफ यू आर अपीयरिंग अ स्टूडेंट सेलेक्टेड, यानी अगर आप प्लस टू में अगर आप अपियरिंग है देन आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जैसे सीबीएसई के तमाम सारे स्टूडेंट्स अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो अपियरिंग करेंगे, और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो आपका यस करेंगे। जैसे बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है तो वो करेंगे नो करेंगे, क्योंकि वो अपियरिंग कैंडिडेट नहीं कल आए, बट जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जिनका एग्जामिनेशन नहीं चल रहा है, वो यस करेंगे। इसके बाद बेसिक डिटेल्स को फिल करेंगे, क्योंकि अगर आप अपियरिंग करते हैं देन यहाँ पे आपसे मार्क्स एंड परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है स्कूल कॉलेज का नेम, बोर्ड का नेम, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो जाएगा, और रोल नंबर। बस अगर आप यहाँ पे करते हैं नो, देन यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स सारा डिटेल देना है कि आपका स्कूल का क्या नेम था, आपका कौन सा बोर्ड था। जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जाम हो चुका है तो बीएससी भी यहाँ देख सकते हैं, डिवीजन आपका क्या है, रोल नंबर क्या है आपका, टोटल मार्क्स कितना रहा, ऑप्टेनिंग मार्क्स कितना रहा, पासिंग ईयर कितना रहेगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है लास्ट और अपियरिंग एग्जामिनेशन डिटेल, जैसे आपको क्लास टेन का डिटेल देना है, लास्ट ईयर आपने क्या आपका एग्जामिनेशन था, तो क्लास टेन का यहाँ पे आप डिटेल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक फोटो आपको अपलोड करना है, फोटो जेपीजी या पीएनजी फाइल्स में के फॉर्म में होना चाहिए, एंड सॉरी यहाँ पे आपको मार्कशीट पहले अपलोड करना है, यहाँ पे अपना आपको मार्कशीट अपलोड करना है। देन अगर आप यहाँ पे करते हैं नो, देन यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करना रहेगा, एंड यहाँ पे करते हैं अगर यस, देन आपको अपलोड करना है अपना प्लस टू का एडमिट कार्ड। ध्यान रखिएगा यस नो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफर करता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सेटअप कर लीजिएगा। तो जो भी रहे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आता है कि प्लीज सेलेक्ट इफ यू आर अपलाइंग अंडर द कास्ट कैटेगरी, अगर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है देन आपको डिटेल्स देना है। जैसे रिजर्वेशन के जो भी सारे ऑप्शन है, तमाम सारे ऑप्शन है, अगर आप रिजर्वेशन के बेनिफिट को नहीं लेते हैं देन आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज अगर आप बेनिफिट लेते हैं देन आप ईडब्ल्यूएस बीसी वन बीसी टू एससी एसटी जो भी आपको ऑप्शंस यूज रहे आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है तो आप इसे ईडब्ल्यूएस के ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि सर्टिफिकेट कौन इशू किया है, जैसे लेटर सबको सर्किल ऑफिसर का सर्टिफिकेट रहे, यानी ब्लॉक लेवल पे रहे, तो आप उसे चूज कर सकते हैं। कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर जो भी रहे आप उसे फिल कीजिएगा। इसके बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, कुछ एक्स्ट्रा कोटाज से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे एनसीसी कोटा, लिटरेसी प्रोग्राम, एथलेटिक्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, किसी भी प्रकार के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो देन आप उसको ऑप्शन को चूज कीजिएगा, ताकि आपको इन करियर इन आगे आपको एडमिशन के टाइम में इसका बेनिफिट मिल सके। इसके बाद आपको रिसेंट साइज का एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करने के बाद तमाम सारे प्रीव्यूज आएंगे, सारे प्रीव्यूज को कंफर्म करते चलना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेमेंट की ओर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए तमाम सारे डिटेल्स को फिल करते हैं एंड सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके फिर आगे फर्दर आपको दिखाते। सो गाइस तमाम सारे ऑप्शंस को मैंने फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते हैं एंड फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो गाइस सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, देन इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे आपका कंफर्मेशन आ जाता है, तमाम जो सारे अपने डिटेल्स है, यहाँ पे आपका फोटो दिख जाता है कॉर्नर पे। इसके बाद जो आपके बेसिक डिटेल्स है, जो भी आपने डिटेल्स फिल किया, सारा डिटेल्स दिख जाता है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको अपीयर हो जाएंगे। आप एक बार प्रॉपर कंफर्म हो जाएगा कि आप सारे जो डिटेल्स है आप उसे कंफर्म सही वे में फिल किए हैं या फिर नहीं फिल किए हैं। अगर सही वे में फिल नहीं किए तो फिर बैक बटन का यूज करते हुए आप उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए मैं सारे डिटेल्स को कंफर्म कर चुका हूं, इसके बाद नेक्स्ट की आगे की ओर मैं प्रोसीड करता हूं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग सबमिट एंड पे वाले बटन का यूज करते हैं एंड इसके बाद सबमिट करेंगे एंड फिर जो आगे का एप्लीकेशन है वो हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। तो गाइस जैसे ही हम लोग सबमिट एंड पे वाले बटन का पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गया है पे नाउ का। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन चार्ज आपका
₹1100 का एप्लीकेशन चार्ज है, जिसमें कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे प्रोग्राम आपने कौन सा प्रोग्राम चूज किया एंड यहाँ पे आपका फॉर्म आईडी, फॉर्म आईडी भी दीजिएगा। आपको क्या करना है, पे नाउ बटन पे क्लिक करना है, तमाम सारे पेमेंट के ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं। आपको ₹1100 का यहाँ पे पेमेंट करना है। जैसे ही आप ₹1100 का पेमेंट करते हैं, फाइनली आपके पास आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, जो कि एज ए रिसीविंग आपको रख लेना है। सो गाइस, ये सिंपल सा प्रोसेस है आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, इसके बाद आपको रिसिप्ट अपने पास रखना है। इसके बाद जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद फिर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, इसके बाद आपका आगे का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो गाइस, आशा करते हैं ये जो वीडियो में पूरा जो लाइव प्रोसेस हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, ये आपको प्रॉपरली समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कहीं पर डाउट हो जाता है, देन आप कमेंट्स कर सकते हैं उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे हम लोग डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। एंड किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी रिलेटेड हो जाता है पटना वुमेंस कॉलेज के एडमिशन से रिलेटेड, देन आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए से। जो भी वीडियोस उसके लिए होगा, वीडियोस के जरिए से आपको उस कंटेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो गाइस, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका तमाम सारा जो अपडेट है वो आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।